Whole milk low fat milk. आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यूँ सबसे पहले तो कोल्ड मिल्क बहुत ज्यादा टेस्टी होता है क्रीमी होता है एंड ये न्यूट्रिय ऐसी भरा हुआ होता है करीब एक कप यानी दो सौ चालीस एम एल कोल्ड मिल्क में आपको मिलती है अराउंडी कैलोरी एंड एट ग्राम एंड ये वाइटामिन एंड डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑन देंड लो फैट मिल्क के हर कप में सिर्फ सौ कैलोरीज होती है एंड जस्ट टू पॉइंट फाइव ग्राम सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड डी बट कम फैट और कैलोरीज के साथ लेकिन इन दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस होता है होल मिल्क हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है और ये फैट सोल वाइटामिन को एब्सार्ब करने में भी काफी हेल्प करता है ऑल्सो होल मिल्क आपके पेट को ज्यादा देर तक फुल रखता है ऑन दी अदर हैंड नो फैट मिल्क इज फॉर एनी जो अपना कैलरी इनटेक मॉनिटर कर रहा हो क्यूँकी इसमें कम फैट होते हैं और कॉन्सिक्वेंटली कम कैलोरीज होती है पर यह ध्यान रखना जरूरी है की जो फैट्स होल मिल्क में अवेलेबल है

सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको और कौन कौन से वीडियोस देखने हैं थैंक यू